मेरे हिसाब से तो एक मिनट भी नहीं रह सकते। अब अगर मोबाइल के बिना कोई भी काम नहीं रहता, अगर आदमी पहले उठता था, उठने के बाद अपने घर वालों से मिलता था, ग्रीट करता था, बहुत अच्छे से मिलता जुलता चाय पानी होता था। अच्छा, जो फोन की जरूरतें हैं उनको अगर हम साइड रख दें तो फिर फोन के बिना आप रह सकते हैं? गेम्स वगैरह छोड़ दे तो अगर फोन के बिना अब आज के टाइम पे बच्चा भी नहीं रह सकता। अच्छा, ये सारी चीजें हो रही है तो मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे मोबाइल फोन से दूर रहना बहुत औखा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK247 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली में। यहां पर कुछ लोग यहां पर जो मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर, वो मुद्दा इनके हाथों में रहता है अक्सर, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो मुद्दा यानी जो हमारा टॉपिक है वो इनके हाथ से चला जाए तो इनका जीवन कैसे रहेगा। जी, वो मुद्दा है मोबाइल फ़ोन। यहां पर कुछ युवा है, अभी भी आप देख सकते हैं मोबाइल इनके हाथ में ही है। सर, कैसे देखते हैं आप मोबाइल के बिना कितने दिन रह सकते हैं? नहीं नहीं, 10 मिनट भी नहीं रह सकता आज के टाइम में तो मोबाइल के। सभी काम मोबाइल पे ही हो रहे हैं आजकल, तो ऑफिस वर्क है जो भी है, तो मोबाइल के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अच्छा, तो शांति है मोबाइल यूज करके? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी शांति नहीं है। ऐसा है कि अब ये एक ट्रैप होता है ना, उस तरीके से एक मोबाइल नेटवर्क हो चुका है आज की दुनिया में। कोई भी हो, बात छोड़ ही नहीं सकता 5 मिनट के लिए मोबाइल। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए बोला जाए कि मोबाइल छोड़ दीजिए, काम धंधा कोई नहीं है, तो आप क्या छोड़ेंगे मोबाइल? हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऑफिस वर्क नहीं होगा तो छोड़ सकता हूँ। ऑफिस वर्क के लिए तो नहीं छोड़ सकता। आप क्या कहेंगे सर, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, बिना इसके रह सकते हैं? हाँ जी, रह सकता हूँ। अच्छा, किसी ने आपसे मोबाइल ले लिया आपके पूरे दिन के लिए, क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं, अपना वर्क है मेरे पास, काफी वर्क फ्रॉम होम कुछ भी कर सकता हूँ, अपना रिटर्न वर्क कर सकता हूँ। अच्छा, तो पूरे दिन में कितने देर तक आप फोन इस्तेमाल करते होंगे? डेली 1 से 1.5 घंटे तक बस। अच्छा, आप अलग टाइप के युवा है यानी कुछ, और भी कुछ लोग जुड़े हैं इनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। सर, हम पूछ रहे हैं लोगों से कि वो मोबाइल फोन के बिना कितने दिन रह सकते हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो एक मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि देखा जाए तो ना फोन ऐसा हो गया हमारे जैसे शरीर में, पहले 206 हड्डियाँ होती थी, अब जो है वो 207 होने लगी है। 207 भी वो मोबाइल को मान सकते हैं। अब अगर मोबाइल के बिना कोई भी काम नहीं रहता, अगर आप भी कुछ काम करेंगे तो आप भी अभी ये शूट करने के बाद शायद फोन पे लगेंगे। उसके बाद आदमी पहले उठता था, उठने के बाद अपने घर वालों से मिलता था, ग्रीट करता था, बहुत अच्छे से मिलता जुलता चाय पानी होता था, वॉशरूम वगैरह जाता था तो बिना फोन के जाया जाता था। मतलब एक चीज मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि जब तक फोन तारों से बंधा था तब तक इंसान खुला था। जब से तार खुले, मतलब वायरलेस आए, मोबाइल फोन है, जब से आदमी बंद गए हैं, क्योंकि बिना फोन के काम हो नहीं सकता। अब अगर किसी को पढ़ना है तो वो फोन से पढ़ेगा, किसी को कहीं जाना है तो वो नेविगेशन लगा के फोन पे से जाएगा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं अगर फोन के बिना अब आज के टाइम पे बच्चा भी नहीं रह सकता। अच्छा, जो फोन की जरूरतें हैं उनको अगर हम साइड रख दें तो फिर फोन के बिना आप रह सकते हैं? गेम्स वगैरह छोड़ दे तो फोन के बिना, अगर फोन की जरूरत तो चलो फोन पे क्या रहती है, व्हाट्सएप, ट्विटर और कॉलिंग वगैरह जो भी होती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आजकल का जो यूथ है वो इन सब चीज़ों को छोड़ के वो सिर्फ इंस्टाग्राम 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 लगा रहता है। किसी को भी देखो कि मैं ट्रैफिक में आ रहा हूँ तो ट्रैफिक में रुकी हुई गाड़ियाँ, वो भाई इंस्टाग्राम। तो ये सारी चीज़ें हो रही है तो मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे मोबाइल फोन से दूर रहना बहुत औखा ही है। दूर रहना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बनी है मोबाइल से ही आप रह पाएंगे मोबाइल के बिना अगर बोला जाए? सिर्फ मोबाइल के बिगड़ तो रह नहीं पाएंगे, बाकी मोबाइल थोड़ा कम यूज करना चाहिए, बच्चे लोगों को भी कम यूज कराना चाहिए। सर, तो आप यही सलाह देंगे कम यूज करना? बस कम यूज कराना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी दिल्ली की जनता की राय मोबाइल फोन को लेकर। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहे आप JK247 न्यूज के साथ। दिल्ली से मैं विशाल सिंह।